नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, आज को मैं कुछ लाइव वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके। आज का डेट है 19 अप्रैल। तो अगर आप आज को मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको पता है जनरली आज को मार्केट ह्यूजली गैप डाउन हुआ है। देखिए, ये आज का फर्स्ट कैंडल है और ये अगले दिन का लास्ट कैंडल था, तो मार्केट में ह्यूजली गैप डाउन हुआ था। तो ये आज का फर्स्ट कैंडल था। तो बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर कैसे हम लोग को हेल्प करेगा। सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम होता है, ये मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करता है एंड ट्रेंड का ऊपर डिपेंड करके ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, जो कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। कुछ कॉल अचीव होता है, मार्केट में ऐसा बहुत सारा कॉल होता है जो अचीव नहीं कर पाता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में हम लोग को ट्रेड करना चाहिए और किस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अगर आज का बात किया जाए, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड गया। अगर मैं इस टाइम RSI का मूवमेंट को फॉलो करता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो मार्केट का जो डाउन आज को मार्केट जो ओपन हुआ है वो ऑलरेडी ओवर सोल्ड में खुला है। तो ओवर सोल्ड में खोलने का टेंडेंसी रहता है, जो जनरली मार्केट थोड़ा रिवर्स बैक होकर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। तो सुबह को देखिए, मेरा सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर एक बाइंग का कॉल दिया था, जो ब्लू कलर का एरो, ये आपका बाय का कॉल था। अब क्वेश्चन ये है, जो ये कॉल कितना सही था, मुझे इसमें ट्रेड करना था या नहीं करना था। तो एज पर कंडीशन यहाँ पर मिडिल में आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड है और रेड होकर नीचे गिर रहा है, तो इसका ट्रेंड लाइन है। तो बाय का कॉल में मुझे दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड लाइन उस टाइम रेट था, मतलब तभी भी मार्केट में डाउन ट्रेंड था। तो ये बाय का कॉल में आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है जब तक इसका ट्रेंड नहीं मैच होता है। तो अल्टीमेट देखिए, ट्रेंड मैच हुआ यहाँ पर, इस कैंडल में आके मार्केट का ट्रेंड मैच हुआ था, जब वैल्यू था 14303। तो 14303 जब वैल्यू चल रहा था, तब यहाँ पर बाइंग ट्रेंड आया आज को मार्केट में। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेलिंग का कॉल दिखाई दे रहा है, तो ये सेल का कॉल भी अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि अभी ट्रेंड जो आ चुका है वो बाइंग का आ चुका है। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है, हम लोग को ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड ही सब कुछ है। अगर आप सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिए तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे सुबह का बाय का कॉल में मुझे दिखाई दे रहा था ट्रेंड सेलिंग का था, उसके बाद ये जो सेल का कॉल दिखाई दे रहा है उस टाइम मार्केट का ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है बाइंग का है। तो दोनों कॉल ही आपके लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, मगर उसका बाद जो बाय का कॉल बना यहाँ पर 14334 में, उस टाइम देखिए ट्रेंड मैच था और अल्टीमेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जा रहा है। और आज को मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट तो है नहीं, फिर भी आप मार्केट में अप ट्रेंड में अभी भी खड़े हैं। राइट साइड में जैसे यहाँ पे शो कर रहे, देखिए जो क्विक डाउन है, मतलब अभी मार्केट में सेलर्स का परिमाण थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 57% 56% सेलर चल रहा है, 44% का आसपास बायर्स चल रहा है। मगर जब तक ये मिडिल का लाइन का कलर ग्रीन रहेगा तब तक आप बोल ही सकते हैं जो आपका जो पोजिशन है वो बाइंग ट्रेंड में। तो ट्रेंड ही सब कुछ है, ट्रेंड समझना है। अगर आप मार्केट का सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिए, आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस मार्केट रिलेटेड आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है या मुझसे कांटेक्ट करना है, तो वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मेरा चैनल पे जाके बहुत सारा वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी डाउट या क्वेरीज रहा मुझे कॉल या व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।